इंडिया ब्लॉक के स्ट्रांग होल्ड में धीमा कराया जाए मतदान, एलजी पर अतिशी के आरोपों से दिल्ली की राजनीति में उबाल, उपराज्यपाल ने भी दी प्रतिक्रिया। अब क्या है पूरा मामला ये जानते हैं। लोकसभा चुनाव के चलते पक्ष और विपक्ष में हुए तीखे पलटवार, जिन्हें लेकर सियासी गलियारों में चर्चा अक्सर गरमाई रहती है। जी हां, आम आदमी पार्टी के दिल्ली में मतदाताओं को परेशान करने जैसी संभावनाओं के आरोपों पर एलजी ने पलटवार करते हुए सीएम केजरीवाल को घेरा है। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, आदत ही बना ली है आपने तो एक केजरीवाल साहब, जिस हाल में रहना है बस रोते हुए रहना है। एलजी के इस पलटवार पर अब मतदान के बीच आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आई है। दिल्ली के उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी के बीच एक बार फिर जबानी जंग तेज हो गई है। वोट डालने मतदान केंद्र पहुंची अतिशी ने कहा, हमें आधिकारिक सूचना मिली है कि कल शाम को एलजी साहब ने दिल्ली पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग बुलाई थी और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए गए थे कि जो जो एरिया इंडिया गठबंधन के स्ट्रांग होल्ड में है उन सभी क्षेत्रों में वोटिंग धीमी कराई जाए, बैरिकेड्स को दूर लगाया जाए, बार बार वोटर्स की चेकिंग कराई जाए। अगर ऐसा होता है तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का उल्लंघन होगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान ले और इलेक्शन कमीशन ऐसी किसी भी साजिश को रोकेगा। इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मतदाताओं को परेशान करने जैसी आशंकाओं के आरोपों पर एलजी ने पलटवार करते हुए सीएम केजरीवाल को घेरा है। एलजी ने कहा कि इन झूठे आरोपों पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, एलजी के इस पलटवार पर अब मतदान के बीच आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आई है और पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री ने कहा कि आज के मतदान से सब साफ हो जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वहीं एलजी द्वारा आरोपों को खारिज करने और आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात पर अतिशी ने कहा कि आज पता चल जाएगा, आज पोलिंग का दिन है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी से इस तरह की जानकारी आने लगी है, कुछ इलाकों में बहुत दूर बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। अगर एलजी साहब ने ऐसा नहीं किया है, दिल्ली पुलिस ने ऐसा नहीं किया है तो हमें भी पता चल जाएगा, लेकिन अगर ऐसा पता चलता है कि दिल्ली के क्षेत्रों में जहां इंडिया गठबंधन की मजबूत पकड़ है वहां पर वोटिंग स्लो हो रही है, वहां पर पुलिस ज्यादा परेशान कर रही है, तो फिर हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन इस पर जरूर संज्ञान ले, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन लोकतंत्र का आधार है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आप मंत्री अतिशी ने एलजीवी के सक्सेना को टैग करते हुए एक ट्विटर पोस्ट में दिल्ली में मतदाताओं को परेशान करने जैसी संभावनाएं जताई थी ताकि मतदान प्रभावित हो। शुक्रवार रात को अतिशी ने अपने पोस्ट में दावा करते हुए लिखा, ऐसी जानकारी मिली है कि आज दिल्ली के एलजी ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिए हैं कि जहां इंडिया ब्लॉक के वोटर भारी संख्या में हैं वहां पर वोटिंग धीरे करवानी है ताकि लोगों को वोट डालने में दिक्कत हो। प्रशासन द्वारा भाजपा को जिताने का ऐसा कोई भी प्रयास गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक है और मैं उम्मीद करती हूँ कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा, ऐसे किसी भी प्रयास पर रोक लगाएगा। अतिशी के इसी पोस्ट को शेयर करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से सुचारू मतदान सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने कहा, चौंकाने वाली बात है, चुनाव आयोग को दिल्ली में सुचारू मतदान सुनिश्चित करना चाहिए। हालांकि इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए एलजीवी के सक्सेना ने अतिशी के दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने इसके जवाब में एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, आदत ही बना ली आपने तो है केजरीवाल साहब, जिस हाल में रहना बस रोते हुए रहना। मैंने आपके द्वारा समर्थित एक मंत्री द्वारा एक संवैधानिक प्राधिकारी के खिलाफ चुनाव से ठीक पहले दिए गए इस अनुचित और झूठे बयान पर कड़ा रुख अपनाया है। ये अनुचितता अस्वीकार्य है और ये आम तौर पर बेतुके और मनगढ़ंत दावे मतदाताओं को गुमराह करके लोकतंत्र को नष्ट करने की एक जानबूझकर की गई योजना है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आप दोनों अलग अलग लड़ रहे थे, लेकिन इस बार दिल्ली के साथ साथ हरियाणा और गुजरात में भी दोनों दलों के बीच गठबंधन हुआ। ये पहली बार है जब दोनों दल मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।